बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। इससे पहले ही INDIA ब्लॉक में फूट की खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी उपचुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ नहीं लड़ेगी। कांग्रेस ये चुनाव लड़ेगी ही नहीं, ये खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी से मीरापुर सीट चाहती थी कांग्रेस, लेकिन बिना बात के ही SP ने अपनी इस सीट पर भी कैंडिडेट दे दिए। SP ने कांग्रेस को सिर्फ गाजियाबाद और खैर सीट ही दी है। कांग्रेस खुद चुनाव न लड़कर SP को बाहर से समर्थन कर सकती है, तो ये बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें से कुछ सीटों के लिए तो समाजवादी पार्टी की ओर से कैंडिडेट की अनाउंसमेंट पहले ही हो गई थी। मीरापुर सीट जिस पर कांग्रेस की नज़र थी, ये सीट भी कांग्रेस को नहीं मिलने वाली है। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 2 सीट गाजियाबाद और खैर ही कांग्रेस के लिए छोड़ी, और कहा जा रहा है कि यहीं पर बात बिगड़ गई है और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। और खबर ये आ रही है कि कांग्रेस बाहर से अब समर्थन दे सकती है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन दे सकती है। राजीव सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजीव, क्या खबर आ रही है अंदर से, और जो अभी जो बातें हैं सूत्रों के हवाले से, ये कितने पुख्ता कही जा सकती हैं? देखिए, बीते लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन को मिली बड़ी सफलता के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भी बढ़ चढ़ कर तैयारी कर रही थी। कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी थी और बड़े नेताओं को इन सीटों पर जीत की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन इस दौरान हरियाणा में आए चुनाव परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की जो कमेटी थी, जो सीट डिसाइड करती थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसकी बिना बैठक के ही उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया। क्योंकि कांग्रेस पहले से ही ये चाहती थी कि जिन पिछले चुनाव में जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी की हार हुई है, वो सीटें कांग्रेस को दी जाएं, कांग्रेस उस पर चुनाव लड़े, कम से कम मीरापुर जैसी सीट हर हाल में मिले। लेकिन मीरापुर समेत सभी सीटों पर सिर्फ गाजियाबाद और खैर को छोड़कर समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है, जिसके चलते अब कांग्रेस ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए वो समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करेगी। धन्यवाद राजीव इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को कांग्रेस समर्थन करेगी, खुद अपना कैंडिडेट उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से नहीं उतारा जाएगा। ये एक बड़ा फैसला कांग्रेस की ओर से लिया गया है। अभी तक सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है।